नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Moto G51 5G वर्सेस Samsung Galaxy F23 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो G51 5G में 6.71 इंच जबकि Galaxy F23 5G में 6.52 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि G51 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो G51 5G में 3.01 इंच जबकि Galaxy F23 5G में 3.03 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो G51 5G में 0.36 इंच जबकि Galaxy F23 5G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो G51 5G में 208 ग्राम जबकि Galaxy F23 5G में 198 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो G51 5G में 6.8 इंचेस जबकि Galaxy F23 5G में 6.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन G51 5G में 1080x2400 और Galaxy F23 5G में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो G51 5G में 85.64% जबकि Galaxy F23 5G में 82.53% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो G51 5G में 387 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Galaxy F23 5G में 400 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो G51 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Galaxy F23 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो G51 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Galaxy F23 5G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही Adreno 619 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो G51 5G में Qualcomm Snapdragon 480 Plus और Galaxy F23 5G में Qualcomm Snapdragon 750G मिलता है। बात करें RAM की तो G51 5G में 4GB की RAM मिलती है, जबकि Galaxy F23 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो G51 5G में 64GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Galaxy F23 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो G51 5G में अप टू 512GB जबकि Galaxy F23 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो G51 5G में Android V11 जबकि Galaxy F23 5G में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। स-
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो G51 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें गैलेक्सी F23 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Moto G51 5G में 4 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें Samsung Galaxy F23 5G की तो उसमें 7 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 Pro है, दूसरा Infinix Zero 8i है, तीसरा Tecno Camon 16 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 7i है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।